हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम देखेंगे ये हमारे पास क्लास किसके लिए है, क्लास टेंथ के लिए है, केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेसन नंबर 1 है और इसका पार्ट भी हमारे पास सेकेंड है। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में कुछ डिटेल देखा था, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और फिजिकल और केमिकल के हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, हालांकि आज हमें डिफिनेशन लिखवानी है और ये हमारे पास लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हमारे पास लेसन नंबर 1 है जिसमें हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे पास पॉइंट भी यानी एग्जाम के दृष्टि से हालांकि इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी एग्जाम देखेंगे तो बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बहुत ईजी, देखिए अगर हम अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा बेहतर करें तो एग्जाम में वैसे भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, मेहनत पे। ठीक है, तो मेहनत हम लोग क्या करेंगे, बेहतर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी बेहतर आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास पर्चे में हमारे पास पहली हेडिंग आती है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, हालांकि बाइलिंगुअल है, थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी आती है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं आती आपसे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, भौतिक परिवर्तन। हालांकि हमने पहले के लेक्चर में देखा था भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आई होप आपसे जरूर देखें। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए देखिए, हर चीज़ का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ना। अगर आप सेकंड क्लास में आए, थर्ड क्लास में आए तो हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक स्टडी का ऐसा चीज़ है जिसको क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड हो, सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हो। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं आएगा। तो अगर इसे हम क्या करें, शुरू से अगर थोड़ा धीरे ही चलेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अगर शुरू से नीचे चलते चलेंगे तो हम ज़्यादा ऊपर तकेंगे। अगर बीच में डायरेक्ट ऊपर पे ही आएंगे तो हमें क्या करना है, नीचे भी गिर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे से क्या करेंगे, धीरे धीरे चलते चलेंगे तो हम क्या करेंगे, बेहतर पाएंगे दूसरों से। ठीक है, तो फिजिकल चेंज यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें हमारे पास क्या चेंज होता है, हमारे पास सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, यानी भौतिक चेंज होती है, वस्तुओं की भौतिक गुण बदलता है। ठीक है, यानी उसका हमारे पास द्रव्यमान और उसका कैरेक्टर वही होगा और नया पदार्थ या नया वस्तु नहीं मिलेगा। लिखेंगे ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का केवल भौतिक रूप बदलता है परंतु वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता तथा नई वस्तु नहीं प्राप्त होती प्राप्त होती है, क्या कहलाएगा हमारे पास, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, एक किलो की वस्तु थी, अगर उसमें फिजिकल चेंजेस हुआ यानी भौतिक परिवर्तन हुआ है, एक किलो की वस्तु होगी तो एक किलो वस्तु का एक किलो ही वस्तु रहेगी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, नई वस्तु नहीं बनती है। ठीक है, जैसे हमारे पास उससे हम क्या करेंगे, नई वस्तु नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे पास कैसा कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रासायनिक परिवर्तन, उसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का क्या होता है, भौतिक यानी रासायनिक गुण बदलेगा, रासायनिक रूप बदलता है, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, यानी कहने मतलब द्रव्यमान बदलता है, इसमें क्या होता है, वस्तु की नई प्राप्त नहीं होती, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, नई वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब उस पर आने से पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल साथ समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गया, इसमें मानते हमारे पास ये रखा ना, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अभी एग्जाम्पल दोनों की
हैं, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना, एक होता है मोमबत्ती का जलना। ठीक है, हमारे पास लेक्चर वाले यानी पहले लेक्चर हमने डिस्कस किया था, हालांकि प्रॉपर हालांकि इसमें भी देखते हैं। देखिए मोमबत्ती का पिघलना क्या होता है, पिघलना का मतलब कि हमारे पास उस धूप की वजह से अपने आप ही पिघलेगी। जैसे ये मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती में देखिए ये मान के इसके ऊपरी भाग हो गया, ये वाला इसका वो जो जलता है हमारे पास वो है यानी धागा वाला पार्ट हो गया। अगर पिघल रही थी ये क्या होगा, जो ये इसका जो बना जिससे ये क्या करेगा, जमीन पे आ जाएगा और ये धागा हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए अगर ये हमारे पास मानते हैं 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, तो अगर ये पिघल के सारा इसका पार्ट अगर जमीन पे बैठ जाएगा उसको भी लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10 ग्राम का ही होगा। उससे हमारे पास क्या होगा, द्रव्यमान तो नहीं बदला और वस्तु हमारे पास क्या होगी, वस्तु पुनः प्राप्त होती है ना, पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक में नहीं होगी। ठीक है, वस्तु प्राप्त होती है यानी नई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी, सब सुनिएगा, परंतु वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता था, नई वस्तु प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परत, यानी उसे हम दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोमबत्ती का पिघलना एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे हमारे पास, जैसे मानते हैं जैसे बल्ब का जलना। ठीक है, जैसे बल्ब हमारे पास, बल्ब अगर जल रहा है तो इसमें कुछ खत्म नहीं हो रहा है, जितना उतना है। अगर अगले दिन भी देखेंगे तो उसकी जो उसमें मास होता है, जितना वजन था उसका, तो वही रहेगा। ठीक है, और उससे हम क्या अगले दिन भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल जाएगा, भौतिक परिवर्तन का। आई होप आप समझे होंगे। देखिए फिजिकल चेंजेस किससे कहते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का क्या होता है, सिर्फ भौतिक गुण बदलता है। ठीक है, भौतिक गुण का मतलब कि सिर्फ बाहरी आकार उसका बदलता है। ठीक है, जैसे हो गया, उसके बाद इसमें वस्तु का द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर मोमबत्ती 1 kg की मानते, 1 kg वस्तु लाए हमारे पास, उसमें क्या अगर गर्म कर दिए, गर्म करके हम नया चीज बनाए। देखिए जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास लोहा है, मानते हमारे पास 1 kg का लोहा है, अब उसको क्या करें, गर्म करें, मानते हैं गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, अगर गर्म करेंगे तो जो लावा बनेगा वो भी कितने केजी का हो, 1 kg का ही होगा, वो भी किसके अंतर्गत आएगा हमारे पास, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, हमारे पास वस्तु, हम देखिए जैसे हमारे पास मानते ऐसे रॉड है, रॉड को हमने क्या किया, मानते लोहा है। ठीक है, लोहा है, ठीक, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, लावा बन गया। ठीक है, एंड जो हमारे पास उसका तरल पदार्थ हम क्या करते हैं, फिर ऐसा लोहा बना सकते हैं, बन जाएगा ना, कॉमन सी बात है कि बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसे एक बार बिगाड़ दिया हमने, ये लोहा था उसको हमने क्या कर दिया, लावा में बना दिया, यानी काम को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, लेकिन लावे से हम क्या कर सकते हैं, फिर ये रॉड बना सकते हैं, यानी हमने काम बिगाड़ा लेकिन काम को फिर हमने क्या कर लिया, बना लिया, तो किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन। कभी अगर एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में ऑप्शनल में आ चुका भी है। ठीक है, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक है, भौतिक है। ठीक है, तो ध्यान सुनेगा, बस आपको ये सोचना है कि अगर हमने कोई काम किया, अगर वो बिगड़ गया, ठीक है, बिगड़ने के बाद पुनः हमने उसे बना लिया, ठीक है, यानी पुनः हमने उसे कर लिया, तो किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक के। अगर ऐसा काम हुआ जो एक बार बिगड़ गया, दोबारा हम क्या कर सकते, उसे नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास आम का पकना, ठीक है, अगर आम हमारे पास एक बार क्या हो गया, पक गया, तो हम उसे क्या कर सकते, दोबारा रिटर्न क्या कर सकते, कच्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, रासायनिक के। लेकिन हमारे पास जैसे मोमबत्ती पिघली, पिघल जली नहीं है ना, जलने का अलग मतलब होता है ना, जलने का मतलब कि अगर जलेगी तो उसके का ये वाला अंदर का जो धागा होता है वो तो खत्म हो जाएगा ना, दोबारा नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन पिघलने का मतलब धागा भी होगा और जो जिससे बना होता है वो भी होगा, तो हम दोबारा उसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। तो हमारे पास क्या है, भौतिक परिवर्तन, अब इसी में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, भौतिक की जगह हम क्या लिखते हैं, रासायनिक परिवर्तन, एंड रासायनिक परिवर्तन या फिजिकल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, केमिकल चेंजेस। ठीक, इसमें लिखें ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का केवल क्या बदलेगा, रासायनिक रूप बदलता है और वस्तु का द्रव्यमान नहीं चेंज होता, बल्कि द्रव्यमान बदलता है तथा नई वस्तु था। वस्तु क्या आ जाएगा हमारे पास, पुनः प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, वस्तु पुनः नहीं प्राप्त होती है, यह कैसा करेगा हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल मोमबत्ती का पिघलना का जम क्या लिख सकते हैं, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे मानते हैं फल का पकना, दूध का दही बनना।
टीसी यानी इत्यादि हो गया, जैसे हमारे पास उदाहरण थोड़ा समझेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने देखा था भौतिक, इसके बाद हम क्या करें रासायनिक। हालांकि दोनों का हमने आपको बहुत ही तरीका बता दिया, अगर एग्जाम्पल में आएगा तो आप कैसे कहें। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर हमने कोई काम किया, अगर वो काम हमसे बिगड़ गया लेकिन अब दोबारा हमसे कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक के। लेकिन ऐसा काम हुआ जो कि बिगड़ गया दोबारा नहीं बन सकता, वो किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक है। जैसे हमारे पास फल का पकना है, अगर फल एक बार पक गया तो दोबारा हमारे पास क्या होगा, कच्चा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास किसके अंतर्गत आ जाएगा, रासायनिक के। और दूसरा हमारे पास है दूध का दही बनना, ठीक है। अगर दूध से हमारे पास दही बन गया तो दही से हम क्या कर सकते, पुनः हमारे पास दूध तो नहीं बनेगा ना, तो किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक के। लेकिन ऐसा कोई काम हो जिसे हमने बिगाड़ा यानी कुछ बिगड़ गया, बिगड़ने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, पुनः बना लिया, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक के, सॉरी भौतिक के, ठीक है। या तो नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, हालांकि ये याद करेंगे तो दूसरा ऐसे भी याद हो जाएगा, तो ठीक है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का केवल क्या होता है, रासायनिक रूप बदलता है, ठीक है, और वस्तु का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, और वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। हमने बताया एग्जाम्पल में फल का पकना, अगर फल पक गया तो दोबारा उसे क्या कर सकते हैं, कच्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आप सिर्फ सिंपल सा वही याद रखेंगे ना, यानी हमारे पास कोई काम हो रहा, ठीक है, और काम बिगड़ गया, ठीक है, तुम्हारा तो लगनी ही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बात नहीं समझ में आई, कि यहाँ पे हमारे पास ये दिक्कत हुई, ठीक है। तो हालांकि ये हमारे पास लेसन नंबर फर्स्ट ही है क्लास 10th केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हमारे पास पार्ट सेकेंड, इससे पहले लेक्चर हमने कुछ डिस्कशन किया था, हालांकि हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमने क्या किया उसके बारे में डिफिनेशन लिखा, ठीक है। तो कल से हमारे पास अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है, और अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अपने छोटे और बड़े भाइयों को जरूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि ये क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए, मतलब ये तो नहीं है, हालांकि सभी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। आपके अगर छोटे भाई हो बहन हो, ठीक है, तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कहिएगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।